एवरीवन, माय नेम राजेश शर्मा फ्रॉम ग्लोबल सिडनी ग्रुप चंडीगढ़। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि 10th ऑफ अगस्त में जो IRCC ने अपडेट दिया था कि कनाडा में उन स्टूडेंट्स का जिनका ओवरऑल 60 है पीटी में या आईएलटीएस में ओवरऑल 6 है, नॉट लेस देन 5 है, तो वो अपनी एप्लीकेशन जो है एसटीएस से अप्लाई कर सकते हैं या प्रोसेस करा सकते हैं। पर ऐसे में बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनके 3-3, 4-4 अटेम्प्ट्स के बाद भी आईएलटीएस या पीटी में दोनों में अपना जो बैंड स्कोर है वो पूरा नहीं हो पाता, और कुछ स्टूडेंट्स का आईएलटीएस में 5.5 रह जाता है या फिर पीटी में 60 ना होने की वजह से उनका या तो 50 रह जाता है या 47, 48 या 50 से अब थोड़ा सा रहता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स क्या करें? क्या उन स्टूडेंट्स के लिए भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं कैनेडा में कि वो अपना जो ड्रीम है कैनेडा में अप्लाई स्टडी करने का, क्या वो पूरा होगा उनका? तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस हैं जहां पर स्टूडेंट्स जो है 5.5 के साथ भी ऑफर लेटर के लिए अप्लाई कर सकता है आईएलटीएस में, या फिर पीटी में उसका 47 से 50 ओवरऑल है या 52 है तो उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, वो भी अपने ऑफर लेटर के लिए कनाडा अप्लाई कर सकता है उन कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में। देर ना करिए माय डियर फ्रेंड, नीचे दिए हुए नंबर्स जो हैं इन पे आप कॉल करें और हम अपनी जो अपॉइंटमेंट है हमारे GSG की टीम के साथ फिक्स करें ताकि आपका जो केस है वो हम डिस्कस करें, और अगर आपका गैप भी है फिर भी कोई इशू नहीं है, हम आपके गैप में जो आपका राइट सॉल्यूशन रहेगा उसमें हेल्प करेंगे ताकि आपका जो कनाडा जाने का ड्रीम है वो पूरा हो सके। विद दिस गाइस, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।